बहुत लोग कह रहे थे कि सर हम बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, सारे वर्कआउट कर रहे हैं। यूट्यूब के माध्यम से जिन भी लोगों के वीडियो देखते हैं उन वीडियो के पीछे ऐसे तन मन ऐसे लगा के बैठे हैं, देखते रहते हैं, वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं, सांस फूल जाती है ना, उस तरह पैर उठा पा रहे हैं ना, उस तरह हम हाथ हवा में उठा पाते हैं ना, नीचे झुक पाते हैं, तो हमारा जो वजन है वो कम कैसे होगा। तो वीडियो देखने से पहले एक चीज़ तो ये बता देता हूँ, जो भी मोटे व्यक्ति हैं एक बात अपने दिमाग में रखें कि मोटा होना बहुत मुश्किल है, मोटा होना बहुत मुश्किल है, पतला होना बहुत आसान है। ये चीज़ दिमाग में फिट कर लें। और अगर किसी पतले भाई ने आप पे कमेंट किया है तो उसे मेरा चैलेंज है, मैं तुम्हें एक पतला व्यक्ति देता हूँ, उसको मोटा करके दिखाओ। जो लोग पतले हैं उनकी मजबूरी है कि वो मोटे नहीं हो पा रहे, ये हकीकत है। पहले तो ये उन कमेंट करने वालों के लिए जो मोटे व्यक्ति का मजाक उड़ाते हैं। अब बात करता हूँ कि आप एक्सरसाइज क्यों नहीं कर पा रहे। एक बात सोचिए, जो भी बंधु वीडियो बनाते हैं कि पतले हो जाओ 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 20 दिन में, अच्छी बात है आप वीडियो बना रहे हो, लेकिन वो फिट लोगों के लिए है। हम मोटा किसे बोलेंगे? मोटा उसे बोलोगे जो शरीर में थोड़ा सा हैवी दिख रहा है, बोलोगे मोटे मोटे ना। मोटा वो होगा जिसका तूंद ऐसे है, यहाँ से ये है, यहाँ से इधर लटकी हुई है, गाल यहाँ से लटके हुए हैं, और इतना भरखंड हो रखा है कि चलते वक्त दोनों जांघें आपस में टकराती है, वो है मोटा व्यक्ति। और जो नॉर्मल है उन्हें बोलते हैं फिट, थोड़ा सा वजन बढ़ा हुआ है उन्हें फिट बोलते हैं। और आसानी से आप रनिंग करके, रनिंग और सीटअप से, दो दम से, रनिंग और सीटअप सिर्फ दो, तीसरी चीज़ आपको करनी नहीं है, जिनका हल्का वजन बढ़ा है। मोटे वो होते जितने ये है हाइट, पतला होना बहुत आसान है, मोटा होना बहुत मुश्किल है। फिर बोल रहा हूँ तो आपको बता दूँ, आपके यार जब झांगे पैर सारे इतने मोटे मोटे हैं तो आप वो जो फिट लोगों के लिए जो एक्सरसाइज है पतला होने के लिए बताई जाती, नहीं कर सकते। आप लेट के दोनों पैर ऊपर नहीं कर सकते, आप बेंड नहीं रह सकते, आप क्रेंचेज नहीं लगा सकते, आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना चाहिए, तो वही चीज़ मैं बताने वाला हूँ, बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। और कोई भाई चाहता है कि यार किसी और का भी भला हो तो वीडियो शेयर करके उस तक जरूर पहुंचा दें। आपको करना क्या है, सुबह पहले आपको उठना है, उठने के बाद में आपको एक नियम बना लेना है कि मुझे कुछ नहीं करना, जैसे ही मेरी आँख खुली, या तो अपने घर में कोई मेंबर हो जो आपके लिए चाय वगैरह बनाता हो उसे बोलिए कि गर्म पानी लेके आ जाएं, गर्म पानी पीजिए, पानी पीने के बाद में फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद में या तो आप अपनी छत पे टहलिए, छत पे एक गोल सर्किल बना लीजिए, चौक से मार्क कर लीजिए कि सर्किल के मुझे जो है 100 चक्कर लगाने हैं आज, कल मैं 110 लगाऊंगा, 120 लगाऊंगा, वो आदत डालिए। शरीर को जब आदत हो जाएगी काम करने की तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि आप अपने आप पतले होते जा रहे हैं। घर का चौक है उसमें आप राउंड लगाने लग जाइए, क्योंकि अभी बाहर जा नहीं सकते लॉकडाउन की वजह से। तो बहुत से ऐसे काम हैं जिनसे आप अपने शरीर को बिजी रख के आप फिट रह सकते हो आप। और 10 बजे तक कुछ मत खाइए, एक नियम बना लीजिए कि सुबह 10 बजे तक या 12 बजे तक, 1 बजे तक मुझे कुछ नहीं खाना है, डाइटिंग पे आप रहिए। दोपहर में आप हरी सब्जी या जो कुछ आप खाना चाहो उतना आप खाओ। उसमें कुछ लोग कहते हैं कि आप फिट हो जाओगे कि जितनी आपको भूख लगी है उससे एक रोटी कम खाइए। मैं कहता हूँ जितनी भूख लगी है ना दोपहर में उतना दबा के खाइए। दोपहर में आपको 10 रोटी खानी है 10 खाइए, 20 खानी है 20 रोटी खाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस शाम को जब आप सोते हो तो अगर दोपहर में 10 रोटी खाइए तो रात को सिर्फ 5 ही खाओ। चावल आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, दाल खाइए, हरी सब्जी खाइए, आप खुद ब खुद देखेंगे कि वजन धीरे धीरे घट रहा है। ये पर वो चीज़ें मत खाइए, ऑयली चीज़ें मत खाइए। आपको एनर्जी चाहिए तो आपको लगेगी अब थकान हो रही है यार कम कुछ खाता हूँ, तो ड्राई फ्रूट आप खा लीजिए। दिन में फिक्स कीजिए कि 3 बार मुझे खाना खाना है तो 3 ही बार ही खाना है, 12-1 बजे में, 1 बार दोपहर को, फिर थोड़ा बहुत शाम को हल्का चाय के साथ, और नाइट में। और एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है शुरुआत में, आप नहीं कर पाएंगे शुरुआत में। आप सिर्फ अपने शरीर को ऐसी आदत डालें कि वो हर एक काम टाइम पे करें, आप जो काम है वो टाइम पे करें। घर में अगर चक्की हो आटा पीसने वाली तो आप वो आसानी से कर सकते हो, क्योंकि शरीर में जितनी ज़्यादा फैट होगा एनर्जी भी उतनी होगी। आप चक्की लीजिए, उसमें गेहूं जो होते हैं वो डालिए, और उनके दो दो टुकड़े जिनको बोलते हैं अपन दलिया बनाना, वो दलिया बनाना स्टार्ट कीजिए। चक्की नहीं है तो बैठ के आराम से दोनों मुठियाँ बंद कीजिए और पूरा घुटनों तक ले जाके ऊपर तक घुमाइए। कहने का मतलब ये है शरीर को आदत ऐसी डाल दीजिए कि कोई भी काम हो तो फट से करो। एक्सरसाइज में क्या है, हाथ इधर से ऐसे ये लेके जाना है, इसकी जगह आप कोई काम कर रहे हो, आप चलिए चक्की जो घुमा रहे हो वही ऐसे कर रहे हो, वह भी एक्सरसाइज है। नियम बना लीजिए मुझे 1 घंटे तक सुबह ऐसे करना है बस, चाहे आप कितने भी मोटे हो इतना तो कर ही सकते हो, 1 घंटे तक ऐसे करते रहो। पसीने में तर बतर हो जाओगे, फैट अपने आप पसीना चुएगा,
जरूरत ही नहीं है आपको वो जबरदस्ती ये मार्केट में जो मिल रहे हैं कोट पहनने की, ये करने की, वो करने की। आपने डिसाइड कर लिया मुझे आधा घंटा ये करना है, करते रहिए आराम से, करते रहिए। ये एक्सरसाइज आप करेंगे तब आपको जरूर सफलता मिलेगी। आपके मैंने फोटोज भी देखे हैं व्हाट्सएप पे, आपने सेंड किया सर यहाँ की चर्बी है ऐसे पकड़ पकड़ के, वो चर्बी उसे हकीकत में मोटा बोलते हैं। और कोई कमेंट करता है आप पे चलते हुए कि सर लोग मुझे शर्म आती है, शर्म किस बात की, मोटा होना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है, पतला होना आसान है, फिर से कहता हूँ इसलिए। और जो एक्सरसाइज एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, जिन भाइयों को वेट बहुत कम है, थोड़ा बहुत वेट है कि यार फिट हो जाएं, उनके लिए ये आगे की जो क्लिप चल रही है उसमें कंप्लीट एक्सरसाइज बताई हुई है, आप वो फॉलो कीजिए, 101% जो है आपको फायदा होगा। पहले जो है जो 400 मीटर का ग्राउंड होता है उसके 10 चक्कर मारने हैं, यानी कि 4 किलोमीटर। इसके ग्राउंड के आपको चक्कर जो मारने हैं वो बिल्कुल ईजी वे में मारने हैं, आपको जितना कंफर्टेबल लगे उतना आप पैर खोलिए और आप ये पूरे कंप्लीट चक्कर लगाइए। तो आप छोटी रनिंग का एक घेरा बनाएं, जैसे कि ये दो पोल के अकॉर्डिंग हमने बना रखा है, आप दो ईंटें भी रख सकते हैं, और इसके कम से कम आप 100 चक्कर लगाएं या 50 चक्कर लगाएं। कहने का मतलब है जब तक पसीना नहीं आ जाता एडी से लेके चोटी तक, तब तक आपको रुकना नहीं है। चाहे घेरा आप चाहे गोल राउंड सर्किल में वर्गाकार 10 फिट का ही क्यों ना हो, पर उसके 100 से 200 चक्कर लगाएं। उसके बाद में जो है आपको ऊपर जंप करना है, जंप आपको हल्के हल्के जंप करने के बाद में 50 से 60 बार, फिर आपको अपने दोनों पैर खोलने हैं और एक हाथ से इस दूसरे पैर को टच करना है, फिर उस साइड के हाथ से इस साइड के पैर को आपको टच करना है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपकी हथेली की तरफ आपका चेहरा पूरा जाना चाहिए, आपको आपकी हथेली जो ऊपर जा रही है उसकी तरफ आपकी गर्दन को आपको करना है, और ये आपको कम से कम दोनों पैरों पे 20-20 या 25-25 आपको लगाने ही होंगे, तब जाके कहीं आपका वेट 20 से 25 दिन में कम होगा और आप देखेंगे कि बहुत ही शानदार तरीके से ही आपका जो वेट है वो कम हो रहा है। उसके बाद में आपको ये करना है एक बार आगे, इसमें एक बार आपको आगे जाना है, फिर पीछे जाना है, फिर आगे जाना है, और फिर सीधा ऊपर, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आपको जो आपकी कमर है वो आपको 6-6 के राउंड करने हैं। कमर को 6 बार एक साइड से घुमाइए, फिर 6 बार दूसरी साइड से घुमाइए, ये आपको 3-3 सेट निकाल लें। जो भी रनिंग के अलावा जो भी जितने भी बताएं आपको 3-3 के सेट करने हैं, जैसे जंप करते हो तो वो भी 3 बार है, कमर हिलानी है वो भी आपको 3 बार हिलानी है 6-6 के राउंड में, 6 एक बार एक साइड से, फिर 6 दूसरी बार दूसरी साइड से। फिर आपको अपने पंजों को पकड़ने की कोशिश करनी है, शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होगा अगर पेट ज़्यादा है तो, लेकिन आपको पकड़ने की कोशिश करनी है, और आपको कोशिश करनी है कि आपकी जो गर्दन है, जो आपका सर है, वो आप अपने घुटनों में लगा सको। आपको ये प्रैक्टिस बार बार करोगे तब जाके होगा। आप चाहते हो कि एक दिन में ये हो जाए तो एक दिन में होने वाली बात नहीं है। फिर आपको सीटअप निकालने हैं, इनको क्रेंचेस भी बोलते हैं, और सीटअप दोनों ही आम भाषा में प्रचलित हैं और दोनों आप कर सकते हो। आपके दोनों हाथ हैं वो आपको अपनी गर्दन के पीछे लगाने हैं और उसके बाद में करना है, और जब आप आगे आते हैं तब आपको सांस छोड़नी है और जाते वक्त आपको सांस लेनी है। जैसे ही आगे आ रहा है तो हर बार आपको सांस है वो छोड़ना ही है, ना कि आपको उठते वक्त अंदर सांस लेना है। और जब आप पीछे जाते हो अब आपको सांस छोड़ना है और उठते वक्त आपको सांस अंदर लेना है, और ये आपको 30-30 के 10 सेट निकालने हैं, या आप 20-20 के 10 सेट निकाल सकते हो। फिर आपको दोनों हाथ बांधने हैं आपस में और सीधा रखना है, और पीछे पूरा जहाँ तक जा सको जाना है, और कोशिश करो कि पैरों से आगे से आप हाथ निकाल सको। ये आपको घूमते रहना है, एक साइड से 6 बार आपको घुमाना है, फिर दूसरी साइड से भी आपको 6 बार घुमाना है। ये आप 6-6 के 3 सेट करेंगे तब जाके आपको फील होगा कि हाँ मेरा फेट जो है वो कट रहा है। दोस्तों वजन बढ़ाना बहुत आसान है, बढ़ जाता है, पर घटाना इसे बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इस पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप नीचे जाते हैं तब कोशिश करें कि आप सांस छोड़ें, आगे आएं तब आप सांस को अंदर लें, पीछे जाते वक्त आप सांस छोड़िए, आगे आते वक्त आप लीजिए। फिर आपको कमर 90 डिग्री एंगल पर आपको कमर को पकड़ के रखनी है, और एक साइकिल जो होती है वो आपको चलानी है, फिर बैक साइकिल चलाने की कोशिश करनी है, जो कि थोड़ा मुश्किल होती है, शुरुआत में नहीं हो पाएगी, बट आपको माइंड को कंसंट्रेट करना है। पहले 20 बार सही तरीके से साइकिल, फिर उल्टा साइकिल आपको चलानी है। उसके बाद में आपके जो आगे के पैर हैं इन दोनों को हवा में उठाना है, हवा में उठाने के बाद आपको थोड़ी देर रखना है,
मन में 20 तक काउंटिंग कीजिएगा, वहाँ तक आपको रखना है, फिर पेट में उंगलियाँ मारनी है। और दोस्तों ये एक्सरसाइज आप करके देखो, आगे आपको इसमें व्यायाम भी बताया जाएगा ये एक्सरसाइज करने के बाद में। उसके बाद में आपको एक जगह बैठना है, मुंह में अंदर सांस भरना है और सा रे गा मा पा धा नी सा, अगर आपको ओम उच्चारण से कोई दिक्कत नहीं है तो, कुछ लोग होते हैं जो नहाने के बाद भी बोलते हैं, और फिर आपको सांस भरना है, फिर ओम उच्चारण जो है वो आपको करना होता है। इसमें सांस भरो और ओम का उच्चारण आपको 7 बार करना है। 7 बार आप जब जाके ओम का उच्चारण करोगे तब आपके पेट में हरकत होने लगेगी और आपको शरीर को लगेगा कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। उसके बाद में आपको दोनों हाथ पीछे करने हैं और ज़मीन पे अपने पैर मार लेने हैं। अब बात करते हैं योगा की, योगा में आपको क्या करना है। सबसे पहले जो है आपको जूते उतार के एक शांत जगह आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद में आपको नाम बताने के बजाय मैं सीधा काम बताता हूँ। दोनों हाथ आपको आगे करने हैं और पेट के अंदर आपको सांस लेनी है, पेट से सांस आपको बाहर फेंकनी है, सांस अपने आप वापस फिलअप हो जाएगी, आपको सिर्फ बाहर की तरफ सांस को फेंकना है जैसे कि इसमें फेंक रहे हैं। पेट आपका अंदर जाना चाहिए। सॉरी दोस्तों कमेंट मत करना, आज थोड़ी नींद आ रही है, उबासी इस वजह से आ रही है। सांस आपको अंदर की तरफ खींचना है और ये आपको करना है 5 मिनट तक। उसके बाद में आपको जिस प्रकार दिखाया जा रहा है उसी प्रकार पेट को अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर ये आपको करना ही होगा। बाबा रामदेव के योग में से ही ये पार्ट उठाया हुआ है, लेकिन ये एक्सरसाइज करने के बाद अगर आपके अंदर स्टेमिना बचा हुआ है, आपको जल्दी से वेट घटाना है, तब ये आपको करना है, अदरवाइज इतनी ज़रूरत नहीं होती। लंबे सांस लेना है, पेट पूरा अंदर जाना चाहिए, तब जाके आपको इस एक्सरसाइज का प्रॉफिट होगा। उसके बाद में जो दूसरी जो सिंपल एक्सरसाइज है वो थोड़ी सी टफ भी होगी जो कि हम लास्ट में बताएंगे। उससे पहले आपको एक एक्सरसाइज और करनी है, वो ये है, इसमें आपको सिंपल बैठना है और अपना एक नाक से अनुलोम विलोम, ये सिंपल ही है, इसमें क्रिंजल विंजल जैसा कोई अटपटा नाम नहीं है। इसमें आपको सांस अंदर खींचनी है एक नाक से 2.5 सेकंड के अंदर और 2.5 सेकंड के अंदर ही वापस छोड़नी है, फिर उसी नाक से आपको सांस अंदर लेनी है, फिर इस नाक को बंद करके दूसरे नाक से आपको सांस को निकालना है। अगर आपको वेट कम करना है तो ये सब करना पड़ेगा, ये 1 से 1.5 घंटे का प्रोसेस है। अगर आप 5 बजे ड्यूटी पे जाते हैं तो 3:30 बजे उठिए, 4 बजे तक फ्रेश होकर आप ये करने के लिए जाइए। मैं बता रहा हूँ ज़िंदगी सुधर जाएगी, चाहे कोई मुकाम हासिल हो ना हो, लेकिन वेट पे आपने कंट्रोल कर लिया तो आने वाले 10 सालों में आपको वजन परेशान नहीं करेगा। तो दोस्तों ये अनुलोम विलोम है, उसके बाद में जो लास्ट का प्रोसेस है वो बहुत कम लोग कर पाते हैं, इस वजह से आप करना चाहो तो कर सकते हो, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए तब जाके होता है। और दोस्तों यही एक्सरसाइज हम पिछले 6 महीने से बच्चों को करवाते हैं और 3-3 महीने में 2-2 महीने में 1-1 महीने में 20-20, 25-25 किलो वजन घटा है। अब ये लास्ट जो है ये थोड़ा टफ रहता है, इसमें पेट को आपको मूव करवाना पड़ता है और देखिए किस प्रकार ये पेट एक पूरा पेट को मांजने का काम होता है। इसमें बहुत प्रैक्टिस के बाद ये स्किल पैदा होता है, तो ये आप ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि ये हर किसी के बस का नहीं होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।